नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिलिया एक बार फिर अपने इस एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कोई कमी नजर आती है तो हमें अवश्य कमेंट कर अवगत कराएं कि क्या इसमें कमी है और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं नौकरी की। नौकरी में उन्नति व स्थायित्व के लिए क्या उपाय किए जाए, क्योंकि हमारे एक मित्र का ऐसा मानना है कि यदि इससे संबंधित जानकारी हम अपने इस कार्यक्रम में दें तो काफी लोगों का इसमें फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम राशि के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, आज मैं राशि के अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राशि के अनुसार हम क्या उपाय करें कि हमारी नौकरी स्थायी बनी रहे और उसमें तरक्की भी होती चली जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो उपाय लिए हैं ये लाल किताब से भी हैं और वैदिक ज्योतिष से भी संबंधित है, तथा कुछ अनुभव के आधार पर भी हम आपको ये उपाय देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, तो ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज के संदर्भ में नौकरी को प्राप्त करना और नौकरी को बचाए रहना, जैसा आप सब जानते हैं, बड़ा मुश्किल साबित होता है, और ऐसे में ज्योतिष हमारी बहुत मदद करता है कि हम किस प्रकार से क्या उपाय करें। और ज्योतिष के छोटे छोटे उपाय जो होते हैं वो प्रत्येक राशि के अनुसार दिए हुए होते हैं, तो हम आपको वही उपाय इसमें बताने का प्रयास करें जिनसे ना सिर्फ नौकरी में तरक्की होगी बल्कि आजीविका पर भी कोई संकट किसी प्रकार का नहीं आएगा। दोस्तों, तो हम आपको ऐसे ही कुछ विषय की जानकारी इसमें दे रहे हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों मेष राशि। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। तो लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अगर वो अपने घर पर एक जगह इकट्ठा करके रख लें या पूजा स्थान में रख लेंगे तो उनकी नौकरी पे कभी कोई खतरा नहीं आएगा तथा उनके उन्नति के अवसर बने रहेंगे। दोस्तों, तो मेष राशि वालों को लाल कपड़े में 1.25 किलो लाल मसूर की दाल को बांधकर अपने घर में कहीं पर भी रख लेना चाहिए। अगर पूजा घर में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे उनकी नौकरी पे कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आता हुआ नजर नहीं आएगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वालों को मटके में यानी कि मिट्टी के घड़े में गंगाजल भरकर सफेद कपड़े से ढककर अपने घर पे रख देना चाहिए, जिससे उनकी नौकरी पे कोई संकट कभी नहीं आ पाता है। दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूं, मिट्टी के मटके में या घड़े में गंगाजल भरकर सफेद कपड़े से ढककर अगर वो घर पे रख लेंगे तो ऐसे में उनका चंद्रमा बलि हो जाएगा, और साथ ही साथ वृषभ राशि है तो आप देख सकते हैं कि धन से संबंधित राशि होती है, तो उनके योग जो है उन्नति के भी बनेंगे, साथ साथ नौकरी में भी कोई खतरा नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, जैसा कि आप सब जानते हैं, तीसरे भाव से संबंधित राशि है। इसके लिए हरे कपड़े में कांसे का बर्तन बांधकर घर की पूर्व दिशा में अगर वो रख लेते हैं तो उनको नौकरी में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। दोस्तों, आपको फिर से बता दूं, हरे कपड़े में कांसे का बर्तन बांधकर पूर्व दिशा में रख लेंगे घर पे तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्क राशि की बात करें दोस्तों, तो कर्क राशि में पानी से भरा हुआ बर्तन, उसमें अगर वो चांदी का सिक्का डालकर, अगर चांदी का ही बर्तन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी अगर वो पूर्व दिशा में रख लेंगे तो बड़ा फायदा रहेगा। यानी चांदी के बर्तन में पानी भरकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर अगर घर की पूर्व दिशा में रखें तो उनकी नौकरी पे कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। दोस्तों, सिंह राशि की बात कर लेते हैं। एक कटोरी ले लेनी जो कि संभवतः स्टील की हो तो अच्छा रहेगा, उसमें आप जो है कपूर सेंधा नमक भरकर अगर रखते हैं तो आपको घर की पूर्व दिशा में अगर रखते हैं तो उनकी नौकरी में उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर कन्या राशि की बात करूं तो उनको कटोरी में कपूर रखकर जो है पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए ताकि उनकी नौकरी में कोई दिक्कत परेशानी कभी ना आए। दोस्तों, तुला राशि की बात करें तो घर पे अगर वो सफेद मूर्ति किसी भी प्रकार की हो चलेगी, अगर सफेद रंग की कोई मूर्ति अगर वो घर पे रख लेते हैं तो तुला राशि वालों को कभी कोई दिक्कत परेशानी का सामना नौकरी के लिए तो नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। दोस्तों, शहद की सीसी लाल कपड़े में बांधकर घर के दक्षिण कोने में रख लें तो उनकी नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धनु राशि की बात करें दोस्तों, तो पीले कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक घर के पूर्वी कोने में रख लें तो अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों को नारियल के तेल में काले तिल एवं नारियल पर काला धागा बांधकर घर के पूर्वी कोने में रख देना चाहिए। नारियल के तेल में काले तिल एवं नारियल पर काला धागा बांधकर उनको जो है पूर्वी कोने में घर पे रख देना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए दो नारियल लेने हैं, उसमें अनाज भरकर यानी दो गोलों में, कच्चे पक्के नारियलों में उनको गोलों में अनाज भरकर एक का दान कर देना चाहिए और एक को अपने घर पे रख देना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि जो कि मीन राशि है। मीन राशि वालों को नौकरी में स्थायित्व और उन्नति के लिए 21 सिक्के, प्रचलित सिक्के जो चल रहे होते हैं वो वाले सिक्के लेकर पीले कपड़े में बांध के घर के ईशान कोण में रख लेना चाहिए तो उनकी नौकरी में योग जो है तरक्की के और उन्नति के बनते चले जाते हैं। दोस्तों, तो ये राशि अनुसार कुछ उपाय जो हमने अनुभव और लाल किताब के आधार पर आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों, यदि आप ऐसा करके चलेंगे तो नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बल्कि उन्नति ही होती चली जाएगी। यहां मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे पाठक
इंटरव्यू देने अगर कहीं जा रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा यदि उस स्थान पे वो एक दिन पहले भी होकर आ जाएं तो उनको वहां पर नौकरी मिलने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। ये हमारा अचूक देखा हुआ टोटका है जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ है। यानी जिस जगह आपका इंटरव्यू होने वाला है या जहां आपकी नौकरी लगने वाली है वहां आप नियत समय से एक दिन पहले भी होकर आ जाएं तो आपको काफी फर्क पड़ता है और आपको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ उपाय थे जो कि नौकरी को स्थायी प्राप्ति करने के लिए हमने आपको दिए। आशा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसा कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं अगर आप हमसे कोई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी अन्य विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों कुछ दिनों बाद हम अपनी एक शोध आपके बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमने शुक्र शनि का एक विचित्र फल पाया है वो हम आपको कुंडलियों के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे और उसमें हमने कम से कम 1100 कुंडलियों का अध्ययन किया है उसके विषय में आपको जानकारी देने का प्राप्त करेंगे। और आप सब हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं सराह रहे हैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।